तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अयोध्या के इस रेलवे के लोग पूरा चलते हैं। तो ये देख लगा हुआ है ये गिलहरी, आपको दिखाते हैं बहुत ही गजब का। ये देख सकते हैं राम मंदिर की जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है कि राम तीन फाइव कैसे यहाँ पर लगाया गया है, बहुत ही जबरदस्त आ रहा है ये लोग भाई। ये व्यू कर सकते हैं फूड कोर्ट। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, और इस वक्त हम लोग खड़े हैं अयोध्या के भव्य रेलवे स्टेशन पे, जो कि अयोध्या राम मंदिर से ठीक 500 मीटर की दूरी पर है, और यहाँ से राम मंदिर भी स्पष्ट तरीके से दिखाई देता है। तो इस बार हम लोग फेज टू का काम पूरा दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से अयोध्या जंक्शन का निर्माण हो रहा है, अयोध्या धाम जंक्शन का। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है कि बिना सब्सक्राइब किए हुए इस वीडियो को देखते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए जो है कि सब्सक्राइब फ्री है बट हम लोगों को उससे बहुत वैल्यू मिलती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए वीडियो को। तो अभी हम लोग हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे हो रही हैं तैयारियाँ इस जो है कि अयोध्या में उद्घाटन की, और किस प्रकार से यहाँ पे फेज 2 का जो है कि काम बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि पूरा लिफ्ट और जो एक्सीलेटर्स लगने वाले हैं ये उसके लिए है, यहाँ से ऊपर जाएंगे। अभी फ़िलहाल में जो है कि पूरा बन के तैयार नहीं हुआ है, इस तरफ का उसी तरफ बन रहा है, टर्मिनल 2 का निर्माण हो रहा है जो कि आपको सामने की तरफ दिखाई दे रहा होगा। प्लेटफॉर्म नंबर 3 का जो है कि काम बहुत ही तेज़ी से हो रहा है, और आप देख सकते हैं फ़िलहाल में जो है कि पटरियाँ और जो है कि यहाँ पे सब चीज़ें होने लगी हैं, यहाँ पे पटरियों को बिछाया जा रहा है, तो काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 2 का। अभी हम लोग चलते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं व्यू। दोस्तों अभी हम लोग आपको लेके चलते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर, और आपको दिखाते हैं कि नया वाला जो टर्मिनल बन के तैयार हुआ है वो किस प्रकार से और कैसा दिखता है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ठीक हम लोग चल रहे हैं अंदर की तरफ, आपको दिखाते हैं यहाँ का पूरा व्यू। गेट नंबर 14 है ये, और इधर भी गेट नंबर 14 है, इस प्रकार से है पूरा। ये आपको थोड़ा व्यू दिखाते हैं अंदर का, ये आप देख सकते हैं पूरा व्यू अंदर का, ये पूरा टर्मिनल है। ये देख सकते हैं आप कितना क्लीन, कितना ज़बरदस्त जो है कि दिखाई दे रहा है ये। और दोस्तों ये देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है कि रेलवे प्लेटफॉर्म के अंदर लाई गई हैं, जो बैटरी से संचालित होती हैं। ये जो है कि यहाँ पे यात्रियों के सुविधा के लिए जो है कि बड़े बड़े यात्री जो आते हैं VVIPs के लिए, ये शायद 1, 2 और ये तो अलग हैं दोनों, तो ये 4 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक आई हैं। यहाँ पर तमाम सुविधाएँ देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर हर एक चीज़ों को, हॉस्पिटलिटी को जो है कि मेंटेन किया गया है काफ़ी ज़बरदस्त, जो मतलब जितने भी बेसिक और बुनियादी सुविधाएं हैं इसको काफ़ी ज़बरदस्त किया गया है। ये देख सकते हैं आप लिफ्ट की सुविधा, लिफ्ट यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पे एक जो है कि कॉल करने के लिए इमरजेंसी के लिए दिया हुआ है, कैमरे लगाए गए हैं, तमाम जो है कि बुनियादी सुविधाएँ यहाँ पर मौजूद हैं इस वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन पर। भारत का शायद सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन होगा, आप लोग को कैसा लगता है आप प्लीज़ कमेंट करिएगा एक बार। चलिए आपको और व्यू दिखाते हैं आगे इस प्लेटफॉर्म का, और इसकी सुविधाओं के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठने की तमाम जो है कि बेसिक और बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं वेटिंग एरिया के टाइप में, और यहाँ पर अयोध्या धाम जंक्शन की तरफ से एक बड़ा सा LED पैनल भी लगाया गया है, जिसमें ये पता चलेगा कि कौन सी ट्रेन कब आने वाली है, नेम के हिसाब से पूरा आएगा, यहाँ पूरा देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाला, जगह जगह CCTV कैमरे लगे हुए यहाँ पे भी हैं, जगह जगह CCTV कैमरे यहाँ पे लगाए गए हैं। ये आप पूरा व्यू देख सकते हैं, यहाँ पे फायर अलार्म सिस्टम भी लगाया गया है, फैन से लेके लाइट तक हर एक बुनियादी सुविधाएं हैं। यहाँ पे जो है कि छोटे छोटे 2 बोर्ड भी लगाए गए हैं, ऐसे जो है कि छोटी छोटी जितनी भी बुनियादी सुविधाएँ हैं इन सबको यहाँ पर दिया गया है। अंदर वाईफाई भी फ्री रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह राउटर्स देखने को मिल रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ये रेल वायर का जो है कि नेटवर्क का है, वाईफाई राउटर्स हैं यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये पूरा व्यू है। चलिए आपको आगे दिखाते हैं और क्या क्या व्यू है यहाँ पे। अधीक्षक
स्टेशन सुपरिटेंडेंट का जो है कि रूम है, स्टेशन सुपरिटेंडेंट का ये रूम अलॉट हुआ है, यहाँ पे पूरा लगा हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जगह जगह रेल वायर का जो है कि नेटवर्क जो है कि लगाया गया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी दो जो है कि पर्सनल लिफ्ट है जो कि ऊपर जाने के लिए, ये पूरा बंद है शायद। और ये फायर अलार्म सिस्टम है जो फायर वगैरह के लिए, मतलब इमरजेंसी के लिए, ऐसे ही पूरे बिल्डिंग में यहाँ ऊपर की तरफ भी लगाया गया। तो ये पूरा व्यू आप देख सकते हैं। और ये एक्सीलेटर्स की तरफ जाने वाला रास्ता दिखाया जा रहा है, ऐसे साइनिंग बोर्ड्स लगे हुए हैं, ये आप पूरा देख सकते हैं। सबसे खास जो है वो है यहाँ बीच में लगा हुआ ये गिलहरी, आपको दिखाते हैं, बहुत ही गजब का है, बहुत ही गजब का है भाई साहब। ये गिलहरी देखिए, ये बीच में लगा हुआ है, काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और यहाँ के पत्थर जो है ये एकदम साइनिंग कर रहे हैं भाई, मतलब इतना ज्यादा क्लीन है, इतना ज्यादा क्लीन है, आप कितना साइन देख सकते हैं भाई इसका, बहुत ही ज्यादा साइनी पत्थर लगाएगा है, चारों तरफ एकदम चमक ही चमक है यहाँ पे, बहुत ही मस्त लग रहा है अभी। और ये पूरा हॉल जो खुला वाला है, जो सबसे बड़ा वाला हॉल है, टर्मिनल एक तरीके से कहा जा सकता है, वो ये है। और ये आप देख सकते हैं इस पे सबसे बड़ा फैन लगा हुआ है, सबसे बड़ा वाला फैन टर्मिनल के अंदर। तो ये कुछ व्यू है जो कि आप देख सकते हैं अयोध्या धाम जंक्शन से। यहाँ पे आपको लेके चलते हैं, ये एक राम मंदिर की जो है कि तस्वीर दिखाई गई है, ये देख सकते हैं आप राम मंदिर की जो है कि ये 3D टाइप में जो है कि प्रिंटिंग जो है कि लगाई गई है, ये पूरा 3D है, बहुत ही गजब की है भाई। यहाँ से सीधे आप बाहर जा सकते हैं, ये पूरा व्यू है, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। चलिए आपको आगे दिखाते हैं और थोड़ी चीज़, जैसे कि ये राम की पैड़ी की तस्वीर लगाई गई है, जो कि ये भी बहुत ही खास और खूबसूरत दिखाई देता है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है कि राम की पैड़ी की पूरी लुक है, पूरी राम की पैड़ी की लुक है भाई साहब, बहुत ही गजब की लग रही है भाई। 3D कैनवास में इसको लगाया गया, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पास में चलते हैं, आपको पूरा 3D है। तो ये सब कुछ व्यू है, जगह जगह यहाँ पे वाईफाई और बाकी सारी तमाम सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं लगाई गई हैं। चलिए आपको और सारी चीज़ें दिखाते हैं और यहाँ पे कैसे एंट्री और बाकी सारी चीज़ें होंगी वो सब कुछ बताते हैं। तो सो ये आप देख सकते हैं गिलहरी, और इसके आगे अब हम लोग चलते हैं, आपको थोड़ा डिटेल दिखाते हैं यहाँ का, किस प्रकार से क्या क्या डिटेल्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट नंबर 6 वैसे ही अभी तो, लेकिन 5 और ये 3, 5, 4, 3, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ खास चीज़ें, जैसे कि स्कैनिंग मशीन और उसके बाद से सामान को चेक करने वाली मशीनें लगी हुई हैं, इससे चेक होके उसके बाद से फिर एंट्री करेंगे लोग। ये आप देख सकते हैं ये पुरानी वाली शायद मशीन है जो कि यहाँ पे लगी हुई थी पहले से ही, और ये नई है, ये सब नई है पूरी। इसमें आप देख सकते हैं इसमें पूरी स्कैनिंग होगी, स्कैनिंग होके चीज़ें पता चल जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा स्कैनिंग होके यहाँ पे पता चल जाएगा, यहाँ पे पूरा जो है कि पुलिस और सिक्योरिटी के लोग रहेंगे जो कि यहाँ पे पूरा इसको कंट्रोल करेंगे। ये पूरा व्यू देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ये जो 3D मॉडल्स हैं जो कि ऊपर की तरफ लग रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अयोध्या काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे लगाया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है ये लुक भाई साहब, बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। ऊपर राम मंदिर की पूरी एक छवि कैनवास में लगाई गई है 3D पेंटिंग्स हैं। तो ये कुछ व्यू है जो कि आप देख रहे हैं सीधे अयोध्या धाम जंक्शन से। अब हम लोग इधर की तरफ थोड़ा चलते हैं और आपको व्यू कराते हैं कि किस प्रकार से इधर की तरफ पूरी चीज़ें हैं। उससे पहले एक डिटेल दिखाते हैं आपको, पहले तो एक डिटेल दिखाते हैं आपको, ये आप व्यू पूरा देख पा रहे हैं, आपको एक डिटेल दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरे रेलवे टर्मिनल का जो एक तरीके से 3D कह सकते हैं वो है, पूरी प्रिंटिंग है जिसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कौन कौन सी मतलब रास्ते हैं, कहाँ पे आप आ सकते हैं जा सकते हैं, गेट वगैरह हर एक चीज़ डिटेल्स दिया गया, 3D प्रिंटिंग इसे कह सकते हैं एक तरीके से, 3D मॉडल।
अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं ऊपर की तरफ कि और क्या क्या चीज़ें हैं सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे, जहाँ तक हम लोग की जाने की अनुमति होगी वहाँ तक आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं। दोस्तों अब हम लोग इधर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फूड कोर्ट है, जलपान जिसे कह सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फूड कोर्ट है पूरा। ये व्यू कर सकते हैं फूड कोर्ट को। उसके बाद से इधर की तरफ भी फूड कोर्ट का जो है कि रास्ता होने वाला है, ये आप देख सकते हैं, ये भी फूड कोर्ट का अंदर का रास्ता होने वाला है। काफ़ी अच्छा जो है कि फूड कोर्ट को मेंटेन किया गया है यहाँ पे। और निकास द्वार यहाँ पे है एक, फिर टॉयलेट और बाकी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे भी यात्रियों के आराम करने के लिए कक्ष वगैरह मौजूद है, वेटिंग एरिया कह सकते हैं जिन्हें। यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा वेटिंग एरिया में जो है कि है, आप देख सकते हैं सामने पर। तो ये पूरा व्यू है। अब चलिए हम लोग ऊपर की तरफ आपको लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं पूरी सुविधा है। हम लोग एक्सीलेटर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो काफ़ी भव्य और दिव्य दिख रहा है ये पूरा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। और यहाँ का अपडेट आप हमारे वीडियोस के जरिए देखते हैं, तो प्लीज़ जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है खासकर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, आप लोग कमेंट करके लिखिए ज़रूर, ताकि हम लोग को भी पता चले कि हम लोगों की मेहनत को मतलब सार्थक हुआ कि नहीं। चलिए आपको आगे दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये दोनों एक्सीलेटर्स हैं, एक तो आने वाला जिससे हम लोग आके अभी अभी आपको दिखाया, और ये ठीक जाने वाला जिससे आप नीचे जा सकते हैं। अब आपको आगे दिखाते हैं आगे और क्या क्या सुविधाएँ हैं। जलपान गृह यानी फूड कोर्ट यहाँ ऊपर की तरफ भी है, सेकंड फ्लोर पे भी फूड कोर्ट है, ये आप देख सकते हैं फूड कोर्ट इधर की तरफ पूरा है। आगे से भी गेट है इसका फूड कोर्ट का। क्लीनिंग देख सकते हैं भाई साहब, बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग हो रही, जगह जगह क्लीनिंग का काम, डस्टबिन वगैरह, मतलब इस रेलवे स्टेशन में सही में सुविधाएं अच्छी हैं। लेकिन अब लोग अब अगर इसको मेंटेन करके अच्छे तरीके से रखें तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, वरना तो फिर वही वाला हाल होने वाला है जो पुराने रेलवे स्टेशनों का है, वैसा ही ये व्यू हो जाएगा फिर। ये कुछ व्यू कर सकते हैं। अब हम लोग चलिए आगे की तरफ चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं। अच्छा यहाँ से आप देख सकते हैं टर्मिनल के बाहर का हिस्सा दिखाई दे रहा है सेकंड फ्लोर से ही। अभी हम लोग यहाँ पे ऊपर की तरफ सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे हैं, सॉरी हाँ सेकंड फ्लोर पे नहीं है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वेटिंग एरिया है, काफ़ी बड़ा सा वेटिंग एरिया है, पूरा व्यू कर सकते हैं। आपको कैसा लग रहा है आप नोट डाउन ज़रूर करिएगा। अभी हम लोग थर्ड फ्लोर से ठीक ऊपर की तरफ हैं, बाहर के टर्मिनल को दिखाने के लिए आए हैं यहाँ पे, और आपको दिखाते हैं हमारे पीछे जो लास्ट में फेज़ टू में टर्मिनल का निर्माण हो रहा था, बाहर पार्किंग जैसा जैसे एयरपोर्ट पे होता है, उस टर्मिनल के पास में हम खास कर आ चुके हैं। और यहाँ से एक खास चीज़ और एक अनमोल चीज़ आपको दिखाने वाले हैं, जिसको देख के आप भी हमें धन्यवाद करने से नहीं भूलेंगे। तो चलिए दिखाते हैं अयोध्या का भव्य राम मंदिर आपको यहाँ से, अयोध्या के रेलवे स्टेशन से। तो दोस्तों यहाँ पे अमावा राम मंदिर है और यहीं पे राम मंदिर भी आता है, ये आप देख सकते हैं सामने की तरफ जो पूरा क्रेन वगैरह दिखाई दे रहा है। ये पेड़ है मुख्यतः इसी वजह से नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये जो है कि सोने का शिखर वाला अमावा राम मंदिर है और यहीं पे राम मंदिर भी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कुछ खास चीज़। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अयोध्या के इस रेलवे स्टेशन पे ATS कमांडोज की जो है कि अब तैनाती होने वाली है सुरक्षा के लिए। आप पूरा व्यू देख सकते हैं, ये पूरा ATS कमांडोज हैं जो कि यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी देखने वाले हैं। ऐसे ही पूरे अयोध्या में जो है कि इनका विजिट कराया जा रहा है ताकि सुरक्षा व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हो सके। ये आप देख सकते हैं ड्रोन भी ये लोग जो है कि पूरा फ्लाई कर रहे हैं और पूरे रूट मैप को देख रहे हैं। ये ATS के कमांडो हैं भारत सरकार के, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के वजह से जो है कि पूरे अयोध्या में जो कि पूरा अयोध्या ATS के कंट्रोल में होने वाला है। जैसा कि पहले ही न्यूज़ में आपने देखा होगा, हर जगह बोला जा रहा था कि ATS कंट्रोल में पूरी अयोध्या होने वाली है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा व्यू आप,
सीधे अयोध्या के इस भव्य रेलवे स्टेशन से। आपको चलिए इस तरफ से भी दिखाते हैं, एटीएस का कमांडो का जो पूरा टीम आया हुआ है उसको दिखाते हैं। अभी हम लोग इधर की तरफ आ गए हैं, यहाँ से आपको दिखाते हैं एटीएस कमांडो का पूरा टीम। ये बाइक वगैरह जो है ये भी इन कमांडोज की ही है, ये आप देख सकते हैं अलग से जो है कि पूरी इन लोगों की आर्मर्ड व्हीकल होती है जिससे ये लोग पूरा चलते हैं। अच्छा ये देख सकते हैं बाइक वगैरह इनकी काफ़ी ज़बरदस्त है, अलग टाइप की बाइकें हैं, दो स्कॉर्पियो और उसके बाद से तीन आर्मर्ड व्हीकल्स हैं इनके, उसके बाद से यूपी पुलिस की दो गाड़ियाँ, उसके बाद से फिर कमांडोज की बसें। ये पूरा व्यू है जो कि एटीएस कमांडोज चल रहे हैं इससे पूरे अयोध्या में। तो चलिए दोस्तों आगे आपको दिखाते हैं और रेलवे स्टेशन का व्यू। दोस्तों ये ऊपर से पूरा टर्मिनल का व्यू देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से है। सबसे ख़तरनाक तो इसमें ही जो गिलहरी है वही है, बाकी सारी चीज़ें तो मतलब नॉर्मल जो है कि एडवांस लेवल की तो हैं ही, लेकिन मतलब हाँ ये ख़तरनाक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है पूरा व्यू। चलिए आपको आगे दिखाते हैं और क्या है आगे, किस किस प्रकार से क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं यहाँ पे, क्या क्या व्यू है पूरा। इधर की तरफ भी एक सीढ़ी है, वॉकिंग सीढ़ी, तो हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं, देखते हैं शायद अगर ऊपर खुला हो तो ऊपर की तरफ चल के आपको दिखाते हैं। बट दोस्तों ताला बंद है इधर, अब हम लोग नीचे चलते हैं। यहाँ पे भी वेटिंग एरिया है भाई, जगह जगह वेटिंग एरिया दिया गया है। ये सही है, वेटिंग एरिया जगह जगह दिया गया है तो इससे काफ़ी हेल्प होगी लोगों को। ये पूरा व्यू देख सकते हैं आप, अभी जगह जगह तमाम जगह जो काम वगैरह हो ही रही है। ये मेन टर्मिनल का रास्ता होने वाला है जो कि पूरे ऊपर के टर्मिनल को जोड़ने वाला है, यहाँ मेन टर्मिनल। अब पूरा व्यू देख सकते हैं आप, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, लिफ्ट वगैरह सब कुछ लगने वाला है यहाँ पे। अभी वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है इस वजह से हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन चलिए आपको आगे दिखाते हैं और क्या क्या है व्यू यहाँ का पूरा। हम लोग इस बार इस वाले सीढ़ी से नीचे उतरते हैं इधर वाले से। और देख सकते हैं आप काफ़ी श्रद्धालु और जो है वीडियोस बनाने वाले जो है लोग नीचे की तरफ उतर रहे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ और आपको दिखाते हैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के फेज टू का थोड़ा बहुत काम, और उसके बाद से करते हैं वीडियो को डी एंड। तो चलिए बाहर मिलते हैं। तो देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो पुराना वाला था, पुराना वाला रेलवे स्टेशन था, उसका ये पूरा व्यू है कि किस प्रकार से यहाँ पे सब चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पुरानी वाली टाइल्सों को चेंज करके सब नए सिस्टम कर दिया गया और काफ़ी चीज़ों में परिवर्तन किया गया है, आप देख सकते हैं। और ये पूरा व्यू है प्लेटफॉर्म नंबर 2 का और ये टर्मिनल का।